How are you? Fine. Today we are going to start oxidation and reduction reaction. You know about the oxidation, reduction reaction. There are two terms. One is oxidation, one is reduction. Oxidation, as name indicate, addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation. ऑक्सीजन आएगी और हाइड्रोजन बाहर जाएगी, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या दूसरे टर्म में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये कॉपर और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो जाएगा, बनेगा कॉपर ऑक्साइड CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर। तो ये क्या हुआ, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई है, इट मींस इट इज द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन। रिडक्शन इट मींस कोई चीज रिमूव होना, रिड्यूस होना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। दैट इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां क्या हुआ था, ऑक्सीजन ऐड हुई थी, हाइड्रोजन रिमूव। यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर दूसरे टर्म में बात करते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज रिडक्शन। H2 प्लस Cl2, यहाँ क्लोराइड में हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगी, बनेगा हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अ रिडक्शन। अब हमारे पास दो टर्म है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ये दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती हैं, तो हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रिडॉक्स में दो वर्ड इन्वॉल्व है, री मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। इट मींस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सेम रिएक्शन। जब दोनों ही चीजें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एस CuO प्लस H2 कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, कॉपर, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दीज बोथ टर्म टेक प्लेस टुगेदर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली और टुगेदर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन, मोस्ट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, एक टर्म ऑक्सीडाइज होती है और एक टर्म रिड्यूस, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन जब ये दोनों ही एक सब्सटेंसेस में हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसे हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। दीज आर द अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, इट मींस रिडॉक्स रिएक्शन। ZnO प्लस कार्बन, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बनेगा जिंक प्लस CO, CO, इट मींस जिंक ऑक्साइड में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। कार्बन चेंज हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn एलिमेंट फॉर्म में किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जीरो। यहाँ कॉपर की कितनी है, टू पॉजिटिव, Zn की कितनी हुई है, टू पॉजिटिव। ये क्या हुआ, जीरो से टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव कैसे आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर टू पॉजिटिव से जीरो चेंज हुआ, इट मींस इट इज रिडक्शन। यहाँ HCl से Cl2 हाइड्रोजन रिमूव हुई है, इट मींस रिडक्शन। MnO2 से इट मीन
This is oxidation removal of, sorry, removal of hydrogen. Removal of hydrogen is oxidation. It is reduction. Clear to all of you. Now, ek term aur aayegi, oxidizing agent and reducing agent. Jo substances oxygen add kar rahe hain, it is a substances which gives oxygen or gain hydrogen. Known as oxidizing agent. या जिसका oxidation होता है उसे क्या कहेंगे? Reducing agent. और जिसका reduction होता है उसे हम कहेंगे oxidizing agent. दोनों एक दूसरे के opposite होंगे. It is a substance which gives hydrogen or gain oxygen. Known as reducing agent. Or a substance which undergoes oxidation act as reducing agent. जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक में रिडक्शन हुआ है तो ये क्या है? जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट मीन जड़न हो गया है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है इट मीन्स ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग जिंक जड़न टू बॉस्टी में ऑक्सीडाइज हुआ है इट मीन्स ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. कॉपर टू पॉजिटिव सीयू में रिडक्ट हुआ इट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू कैन मेक अ प्रैक्टिस एट योर होम फॉर सम एग्जाम्पल्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव टू यू सोल्यूशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. और जो रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन reactions in everyday life. What is the application of those oxidation reactions in our life? Why they are important? First, in your book only two applications are there. First one is corrosion. Kya hota hai corrosion? Have you heard about that? Corrosion, eaten up of metal. Jab lohe ko jang lag jata hai usse hum kahenge eaten up of metal. In the presence of oxygen and water is called corrosion. धीरे धीरे जंग किसी भी मेटल को खा गया है वो डिस्ट्रॉय हो गया. That destroy, that eaten up is known as corrosion. Eaten up of metal in the presence of oxygen and water is called corrosion. For example, rusting of iron. आप सभी ने देखा होगा पार्क में या पब्लिक places पे या हमारे घरों में जो भी iron के articles होते हैं वो एज फ्रेस एज जितने वो पुराने होते चले जाते हैं धीरे धीरे उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डेट ब्राउनिश लेयर इज नोन एज रस्ट. जंग लगना, वो जंग लग गया है और धीरे धीरे वो आर्टिकल्स डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. जितने भी पार्क में स्विंग्स होते हैं, फाउंटेन्स, चेयर्स, वट एवर, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पासेस ऑफ टाइम. जितने वो पुराने हो जाएंगे धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन. वो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे हुई? स्विंग्स, चेयर्स किसके बने हुए हैं? लोहे से. लोहा क्या है? Fe, आयरन. जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टर्म्स दोज आर वाटर. Fe2O3 into XH2O जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है उसे दैट इज द प्रोसीजर. Fe ऑक्सीजन वाटर इट विल फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट.
आप सभी के घरों में कॉपर के पुराने बर्तन होंगे, पीतल के बर्तन, उनके ऊपर आप सभी ने अगर कभी नोट किया है तो ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है जितने वो पुराने होते हैं। आजकल तो हम लोग कॉपर के कंटेनर्स कम यूज करते हैं। ओल्डर डेज में ही अगर किसी के घर कोई पुराना कंटेनर या बर्तन पड़ा हो तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं, या फ्लावर पॉट वगैरह के ऊपर भी कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट दैट इज आल्सो द रस्ट फॉर द कार्बन। आपको मेनली क्या लर्न करना है, इट इज द विच कलर, मेनली ग्रीन इन कलर। सिल्वर जितना पुराना हो जाता है वो ब्लैक पड़ जाता है, तो ब्लैक कलर क्या है, वो सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया है। सल्फाइड, यहाँ पे सल्फाइड की वजह से में हुआ H2S, ROH2S, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2, जो सिल्वर सल्फाइड बनेगा वो क्या होगा, ब्लैक कलर का। तो कुछ मेटल को तो क्लीन करके वो लेयर हटाई जा सकती है, जैसे सिल्वर को क्लीन कर दिया जाता है केमिकल से तो वो पूरा शाइनिंग नेचर आ जाती है, लेकिन आयरन को क्लीन करके वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, बिकॉज सिल्वर क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो कम डैमेज होगी और आयरन ज्यादा डैमेज होगी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ अब कौन सी कंडीशंस चाहिए हमें कोरोजन के लिए, कोरोजन कब होगा, जब सरफेस की जो भी हमने मेटल लिया है वो एक्टिव सरफेस हो, जो हायर एक्टिव मेटल होते हैं वो इजिली कोरोडेड हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल सरफेस, नेक्स्ट वन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर किसी चीज के ऊपर लोहे के कॉन्टेक्ट में वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही आ जाते हैं तो वो धीरे धीरे कोरोडेड होने लगता है, वो धीरे धीरे वहां से लेयर खत्म हो जाती है, उसे हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इस रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे बचा सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर आयरन आर्टिकल्स। आप सभी ने नोट किया है अगर जो हमारे घरों में डोर्स होते हैं, ग्रिल्स होती है, रेलिंग्स होती है, उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक चलें, उनको हम रेजिस्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, तो डेट इज द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग, फर्स्ट ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैलनाइजेशन कर सकते हैं। गैलनाइजेशन एक प्रोसेस है, हायर एक्टिव मेटल के ऊपर लोअर एक्टिव की लेयर चढ़ा दी जाती है। इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देंगे, पहले जिंक कोरोडेड होगा फिर दूसरा मेटल, तो उसके लिए एक लंबा टाइम होगा। टू कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज निकल क्रोमियम प्लेटिंग, जितने भी हमारे साइकिल के रिम है, टायर है, जो हमारी गाड़ियां उनके टायर है उनके अंदर रिम है स्टील, स्टेनलेस स्टील, उनके ऊपर प्लेटिंग चढ़ाई जाती है, निकल क्रोमियम प्लेटिंग, जिससे उनको वो कोरोडेड इजीली ना हो, वो लॉन्ग टाइम तक चले, बिकॉज दे दीज पार्ट्स आर वेरी कॉस्टली। अगर वो इतने जल्दी डैमेज हो जाएंगे तो हाउ कैन वी मैनेज अवर व्हीकल्स और ऑल थिंग्स, दैट्स व्हाई दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, कि हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, इटन अप ऑफ मेटल, क्या कंडीशन, एक्टिव सरफेस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर। कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे, बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड निकल क्रोमियम प्लेटिंग। सेकेंड इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी रेंसिड होना, हमारा जो भी ऑयली और फैटी फूड है वो अगर लंबे टाइम तक रखा रहता है तो उसमें एक टाइप की फाउलिंग, बैड स्मेल आने लग जाती है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे फूड स्टफ के अंदर जो ऑयल पार्टिकल्स है वो ऑक्सीडाइज हो गए, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उसमें से एक बैड स्मेल आने लग जाएगी। आप लोग सभी ने अगर नोट किया है, अगर जो घरों में पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, उनके अंदर एक स्मेल आने लग जाती है, या जो भी ऑयली सामान हमारे घरों में है उसके अंदर एक अजीब तरह की स्मेल होती है, डेट इज नोन एज द फाउलिंग स्मेल, उसे हम कहेंगे कि हमारा फूड रेंसिड है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन ए फूड रिजल्टिंग इन टू ए बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, उसे हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्यों आ रही है, मोस्ट ऑफ इन रेनी सीजन देयर आर ए लॉट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ एयर, मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा पानी के एयर के अंदर, उस मॉइस्चर को
जो हमारे पिकल्स हैं या और चीजें हैं वो गेन कर लेंगी और ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी तो उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आएगी, दैट इज फाउलिंग स्मेल। उस फाउलिंग स्मेल को हम कहेंगे रेंसिड फूड, दैट मींस रेंसिडिटी। अब उस रेंसिडिटी को हम कैसे रोकते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो भी सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, उनमें टाइम टू टाइम जिनमें धूप लगाई जा सकती है धूप लगाते हैं। मेथड्स यूज टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रेंसिडिटी, सबसे पहले क्या कहेंगे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या है एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट को कट कर दे, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो जो भी चीजें हैं उनके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव जिन भी चीजों के अंदर ऑयल होता है, जैम है, जेली है, पिकल्स हैं, उनके अंदर मोस्ट ऑफ सॉल्ट, शुगर या कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव सॉल्ट्स होते हैं लाइक सोडियम बेंजोएट एक्सेट्रा, ये क्या हेल्प करते हैं, ये ऑक्सीजन के कनेक्शन को कट कर देते हैं जिससे वो लॉन्ग टाइम तक होता है। किसी भी पिकल्स की बॉटल या जैम की बॉटल के ऊपर ये लिखा होता है इट इज बेस्ट यूज बिफोर 6 मंथ, बेस्ट यूज बिफोर 3 मंथ, डेट इतने टाइम पीरियड से पहले उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा, डेट फूड विल नॉट बी रेंसिड। सेकेंड मेथड इज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उनके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करके फिर उनकी उनको सील किया जाता है, इट मीन्स वैक्यूम पैकिंग। जितने भी चिप्स लेस चिप्स हैं या जितने भी पैकिंग फूड है उसके अंदर हम नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कट द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन विथ फूड आर्टिकल्स। तो जब फूड आर्टिकल से ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट कट हो जाएगा तो हमारा फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी फाउलिंग स्मेल नहीं आएगी। आप सभी ने नोट किया होगा अगर हम चिप्स नमकीन बिस्किट्स कुछ भी लाते हैं तो पैकिंग में तो लॉन्ग टाइम तक शॉप पे ठीक है, हमारे घर में भी ठीक है, लेकिन जब पैकिंग खुल जाती है तो थोड़े टाइम के बाद उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्यों हुआ वो टेस्ट चेंज, ड्यू टू रेंसिडिटी, क्योंकि जो उसके अंदर ऑयली फैटी पार्ट्स है डेट विल बी ऑक्सीडाइज और उसके अंदर एक फाउलिंग स्मेल आने लगी है जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज हो गया। तो हम क्या करते हैं, जितने भी चिप्स के पैकेट हैं जितने भी पैकिंग फूड है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है जिससे वो फ्लफी हो जाता है एंड दैट कट द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेक इट प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पॉइलिंग। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ या खाने पीने की चीजों को फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लोअर होता है, लोअर टेम्परेचर में बैक्टीरिया जो है जनरेट नहीं हो पाते और लोअर टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जब वो स्लो डाउन हो जाएगा तो हम 1 or 2 days के लिए फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेंसिडिटी, बिकॉज इन अवर डेली लाइफ वी आर यूजिंग सो मैनी टाइप्स ऑफ फूड आर्टिकल्स डेट कैन नॉट कंज्यूम विद इन अ वन टाइम। अगर हम एक टाइम में सारा खाना कंज्यूम नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं तो उनको हमें बचाना होता है रेंसिडिटी से। हम कैसे बचा सकते हैं, बाय द एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय वैक्यूम पैकिंग, बाय रिप्लेसिंग नाइट्रोजन, बाय रेफ्रिजरेशन। तो इस तरह से हम अपने फूड आर्टिकल्स को लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो दीज आर द 2 एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, फर्स्ट वन इज द कोरोजन एंड सेकेंड वन इज द रेंसिडिटी। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।